हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वो जो झाड़ू लगा रही थी वो देवरानी थी, और अभी मैं कलेजी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मसाला भुन रहा है, चावल दाल बन चुका है, तो लंच बना रही हूँ। तो सुबह में ही हमारा सब कुछ बन जाता है। तो अभी प्याज और ऑयल में डाल के, तेज़पत्ता और जीरा डाल के कलेजी को इसमें पलटी कर दी हूँ। हाँ, बिरयानी करने के बाद कलेजी को पलटी कर लेना है मसाला में पकाने के बाद। और वो खूब अच्छे से भून के, देख के मुँह में पानी आ रहा है ना। जल्दी जल्दी फटाफट मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो बच्चे लोग मस्ती कर रहे थे, अभी हमारा पार्सल आया है तो मैं नीचे आई हूँ। तो अभी ऊपर ले जाती हूँ तो दिखाती हूँ। अभी एक देवरानी और आने वाली है, तो दो दो देवरानी आएंगी। एक आ चुकी हैं, एक आने वाली हैं। तो अभी मैं खोलती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ इसमें क्या है। कुछ नहीं, इसके बिना मेरी काफ़ी सारी मुश्किलात थी मेरे लाइफ में, अभी ये आ गया है तो सारे मुश्किल आसान हो जाएंगे। आप लोग सोचते होंगे क्या है, तो आप ही लोग देख लिए, आप लोग कितने लोग तो समझ चुके होंगे क्या है इसके अंदर, क्योंकि मोबाइल मैं कहीं पे लगा देती थी इधर उधर, कुछ भी पैसे मोबाइल को खड़ा कर दूंगी तो वीडियो बनाने में काफ़ी सारी दिक्कत आती थी। कभी मोबाइल गिर भी जाता था, कभी क्या बार बार, बहुत बार मोबाइल गिर चुका है मेरा। तो अब वो सब से टेंशन से दूर। तो देख सकते हैं मेरा ट्राइपॉड आ चुका है, तो काफ़ी अच्छा है। इससे मैं बहुत सारी वीडियो शूट कर चुकी हूँ, तो वीडियो ये काफ़ी लेट जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा है, यूज़ करने में बहुत ही अच्छा, और हैंडी भी है। कहीं आप ये, इसके साथ एक बैग आया है तो इसको कहीं भी ले जाने में आसानी रहेगा, उसमें डाल लो और लेके जाओ। तो मैं बहुत खुश हूँ, जितने सारे भी प्रोडक्ट कोई भी मंगाई हूँ, पर इससे ज़्यादा मुझे खुशी मिली, क्योंकि मुझे बहुत काफ़ी आराम हो गया। क्योंकि मोबाइल हाथ में लेके वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल होता था, हाथ में दर्द भी हो जाता था, तो अब वो सब दिक्कत नहीं होगी मुझे। तो देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छा है। इसमें मोबाइल को सेट करना रहता है, तो इसको इसमें लॉक करेंगे, तो लॉक करके आपको दिखाएंगे कैसे क्या करना है, मोबाइल लगा के भी दिखाएंगे। और इसकी प्राइस मैं मेंशन कर दी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा हैंडी है। ज़्यादा भारी जो होता है ना वो वैसे नहीं, लाइट वेट है बिल्कुल, किचन के लिए काफ़ी अच्छा है। मेरी हाँ रेसिपी जो वीडियो बनाती हूँ वो सब करने के लिए काफ़ी अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा। तो देख सकते हैं, मैं अभी मोबाइल सेट करके भी दिखा रही हूँ आप लोग को। तो अभी ये सब हो जाने के बाद अभी मैं चलूँगी किचन में, काफ़ी सारे काम है वो सब करके, उसके बाद मैं शाम में आपसे मिलूँगी। तो मैं हाय बोल रही हूँ, तो देखिए इसकी हाइट, अभी एक नीचे का एक और लॉक है वो नहीं खोली हूँ, तो हाइट ठीक ठाक ही है, ज़्यादा कुछ लंबा नहीं है। तो मैं शाम हो गया तो चाय बना रही हूँ, तो वही बच्ची मेरी बेटी सूट की थी, मैंने क्यों। तो अभी बच्चे सब बैठे हुए हैं, एक ये देवरानी के बच्चे और एक ये देवरानी जो बोली थी आने वाली हैं, तो आ चुकी हैं। तो इनकी ये बच्ची है, दोनों मस्त टीवी देख रहे हैं। देखिए छोटे बच्चे भी कितने प्यार से टीवी देखते हैं, पता नहीं उनको क्या समझ में आता, पर मोबाइल और टीवी, ये बच्चे लोग का एक नशा हो गया है। देखिए अभी कैमरा में लाइट जल रहा है तो बस वही देख रही है वो। ये तो छोटी है, अभी 5 महीना की है, ये मेरे बेटा जी। तो अभी मैं, रात हो गया है, दूध बॉयल करने के रखी हूँ और कपड़ा भी इधर वॉश करने में लगाई हूँ।
अभी बच्चे जो है मस्ती कर रहे हैं, देखिए क्या किया बच्चे। हाँ, एक चीज़ के पीछे बच्चे भागेंगे वही चीज़ के पीछे दूसरे बच्चे भी भागते हैं। तो उसको उनको डैडी चाहिए था, बस उसी के लिए इनको मनाया जा रहा है। तो ये इधर रो रहे हैं, तो बच्चे लोग ऐसे ही रहता है। ये इधर अंडे बन रहे हैं, तो अभी ये अंडा बन रहा है। ये वीडियो मेरी बेटी शूट की है, मैं वॉइस ओवर बंद करती हूँ, आप लोग सुन लीजिए। रात हो गया, पापा आ गए, खाना लगा के रखी हूँ, तो वीडियो कर रही है। आलू, चीनी का सब्जियाँ, टमाटर डाला हुआ है, सेम डाला हुआ है, ये सब तो आप देख रही हैं। चीनी बहुत सारी, ये देखिए अंडे पापा के बन गए थे, पापा खाना खाएंगे। तो ये क्या कर रही है मेरे मोबाइल। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ कोफ्ता मटन का, तो वही सारे मसाले मैं निकाल रही, वही आप लोग को दिखा रही हूँ। दो छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, लौंग, ज़्यादा कुछ मसाला गरम उतना ऐड नहीं करती हूँ, बस यही तीन गरम मसाला में यही रहेगा, बाकी प्याज और गार्लिक है। तो अभी ये मटन को मैं मिक्सी में डाल डाल के थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा डालूँगी तो फिर प्रॉब्लम होगा, मिक्सी नहीं चल पाएगा। तो जो हम लोग घर में नॉर्मल मिक्सी यूज करते हैं उसमें भी आप कर सकते हैं, जो बड़ा वाला पॉट होता है उसमें ही डाल के आप बिल्कुल आसानी से ऐसे ही, बहुत ही अच्छा हो जाता है। पर कौन थोड़ा कम डालेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा डालेंगे तो फिर मिक्सी नहीं चलेगा, फिर ख़राब होने का भी डर रहता है, या तो ब्लेड टूट जाएगा तो प्रॉब्लम होता है। तो सारे मटन को मैं ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली हूँ। अभी ऑनियन ये सब चीज़, ग्रीन चिली जो है, सबको मैं चॉप कर लूँगी चॉपर में, तो आप लोग देख लीजिए। अभी सब कुछ चॉप ग्राइंड सब कुछ हो गया फाइनली, तो चलिए मटन में मसाले डालते हैं। तो हल्दी 1.5 टेबल स्पून मैं डाल दी हूँ, और ये लाल मिर्च 2 टेबल स्पून लाल मिर्च डाल दूँगी। तो हमारा 700 ग्राम मटन है, तो उसी हिसाब से ये जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये सारे मसाले जो होते हैं सूखे वाले वो सब कुछ ऐड करना है आपको। ये काली मिर्च पाउडर है 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा है, और ये ज़ीरा पाउडर है। तो सब कुछ मिक्स कर देना है, और गरम मसाला तो हम लोग पीस लिए थे, और ये सॉल्ट टू टेस्ट, और ये जो मसाले हम पीसे थे
ऑनियन गार्लिक और गरम मसाला का पेस्ट है, ये मिक्सी में पीसे थे। और ये मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और ये ऑनियन और चिली गार्लिक का जो चॉप की हुई बारीक वो सब कुछ डाल देंगे। और ये हमारा सोहा का जो हरा वाला पत्ता होता है वही है, तो काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है ना, वाइट रेड ग्रीन। तो बस ये रेसिपी के बाद ये हमारी वीडियो ख़त्म हो जाएगी। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुछ देर के लिए रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद से इसको बनाएंगे गोल गोल कोफ्ते के जैसा, कर दे दे या चपटा कर दे जैसे आप चाहें, आपकी मर्जी है। तो अच्छा लगता है, सिंपल सा क्विक सा रेसिपी है। तो बस इसको बनाने के बाद इसको क्या करना रहता है, इसको सबको ये एक कढ़ाई में डाल के, कुछ भी में डाल सकते हैं आप, डेगची कढ़ाई जो चीज़ आपके पास उसमें डाल दें, और बस कुकर में नहीं डालें। तो इसको बस बॉयल करना है, इसको बस डाल देंगे तो ये खुद ब खुद पानी निकलता है, उसी पानी पानी से ये पक जाता है। तो पकने के बाद उसके बाद कुछ पानी पूरा ड्राई कर लेना है, उसके बाद इसको ऑयल में फ्राई करके खा या मसाला बना बनाए जैसे खाना है आपको, जो करना है इसका मंचूरियन बनाए जो भी बना सकते हैं आप, आपकी मर्जी है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।